एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी मैंने व्लॉग शुरू किया है, तो ये बोल थोड़ी सी मस्ती कर रहा है। तो जस्ट हम लोग एक वीडियो शूट करके आए और मैंने वो वीडियो एंड कर दी थी और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा एडवांस नहीं चलना चाहिए। तो मैं अभी डिनर बनाने आई हूँ, मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं अरबी उबाल के गई थी, मतलब अरबी उबाल के वीडियो शूट कर रही हूँ। आई थिंक ये उबल गई है और मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। तो मैं खाऊँ ना खाऊँ या मैं फ्रूट्स खा लूँ, और जो अरबी है वो सेफ है खाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि वो खाने में सेफ है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रीड किया, उसके बाद पता चला कि इसमें जिंक है। मुझे पता नहीं था जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है और ऐसी कुछ और भी हैं चीज़ें जो हैं इसमें। तो आप इसे सेफ है कंज्यूम करने के लिए, बट इन अ मॉडरेट अमाउंट, मतलब आपको ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना है। तो वैसे ही प्रेगनेंसी में आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जैसे एक रोटी दो रोटी आधे आधे घंटे में, आधे आधे घंटे दो दो घंटे में एक रोटी आधी रोटी इस तरह से कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको गैस भी नहीं होती और काफ़ी ईजिली जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डाइजेशन में। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं कुछ भी करके एक एप्पल और जैसे मैंने केला खा लिया, हाँ या दूध पी लिया, तो मैं इस तरह से जो चीजें हैं ना वो मेंटेन कर रही, मतलब इस तरह से जो चीजें वो रेगुलेट कर रही हूँ। तो इसे मैं भी निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसे एंडिंग बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं रोटी या पराठे, आई थिंक मैं पराठे सेक लेती हूँ, वो सेक के मैं रख देती हूँ और इसे फिर मैं बाद में छौंक दूंगी तो ये बन जाएगी। तो जो ब्लॉग है वो संडे तक जाएगा, क्योंकि आज सैटरडे की रात हो गई है और मुझे लगा कि मुझे जो काम है वो अभी से शुरू कर देना चाहिए। ये जो है ये थोड़ा, ये राजा जो है वो थोड़ा थोड़ा चीज़ें देखने लगे हैं, जैसे कि इन्हें बेडरूम में थोड़ा सा मेसी है तो वो क्लीन करेंगे और थोड़ी थोड़ी चीजें वो राजा देखते हैं। ज्यादा चीजें अब मैं ही करने वाला हूँ। पराठे बनाने आते हैं वो भी सीखूंगा, इनको ज्यादा कुछ काम नहीं करने दूंगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी वेट तो ठीक है, ये जो है ये वाला एरिया वो नॉर्मल है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा फेस थोड़ा सा पतला हो रहा है। ठीक है ना, सही सब सही रहे होगा जी, कृपा से टेंशन मत लो, सब सही होगा। मैं टेंशन लेती भी नहीं हूं, मैं बहुत टेंशन नहीं, और आई थिंक कि आप वेट वगैरह मत उठाइए, बट आप थोड़े बहुत काम करिए, आपको ये भी नहीं है। हाँ, अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं किसी चीज में तो आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत हेल्थी डुलते रहना चाहिए। बहुत सीवियर चीजें नहीं करनी चाहिए कि आप दौड़ लगा रहे हो कुछ कर रहे हो, बट थोड़ा बहुत आपको जो है अपनी डेली एक्टिविटीज करते रहो, रोज आप थोड़ा थोड़ा अपना खाना बना बना कर, खाना नहीं बनाएगी वो आपको, अगर ज्यादा ही अपना लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपना बैठे बैठे थक गए हो, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, एक सिलेंडर रोज अपना रसोई से अपना बेडरूम में और बेडरूम से रसोई में लाके उठा के रखना आपको, ज्यादा कुछ नहीं। मैं सिलेंडर उठा चुकी हूँ प्रेगनेंसी में, मुझे पता नहीं था, मैं उठा चुकी हूँ, मैं पूरा भरा सिलेंडर उठा के लेके आई थी। देखो जाकू रा के साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी को। मुझे पूरा आता, मुझे पता भी नहीं था। सगाई सरी बहुत हो गया, मैं खाना खा लूँ। अब जो अरबी है वो मैंने रख दी है, आटा निकाल रही हूँ मैं गूंदने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल एक ही ऑप्शन है, या तो मैं खाना बना लूँ या फिर मैं बाहर का खा लूँ। और मैं अगर बाहर का खाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि वो मैदा और पता नहीं कैसे बन रहा है। तो कल मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी वो खाने के बाद, और कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। यहाँ पर मैं स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, एक दिन मैंने कुछ बहुत स्पाइसी खा लिया था, जैसे मैं गोलगप्पे वगैरह मुझे खाने होंगे तो भी मैं घर में बनाऊंगी, तो कुछ बहुत स्पाइसी हो गया था। हाँ, हम लोग चाट वो खा के आए थे, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने फुल्की खाई, और फुल्की मतलब गोलगप्पे, मैंने गोलगप्पे खाए, उसके बाद मुझे लग रहा था मेरे पेट के अंदर आग लग गई है, मतलब मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा बर्न हो रहा था, इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि आग लग गई मेरे पेट में, मतलब किसी ने जैसे आग वाग जला दी। उसके बाद फिर मैंने बहुत ठंडा पानी किया, उसके बाद फिर मेरे को लगा यार बाहर के गोलगप्पे फुल्की अगर मुझे खाने पे होंगे तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं खुद बना लूंगी, थोड़ा सा परेशान होके, पर ठीक है कोई नहीं। कहते हैं अगर आप अकेले हो तो आपको देखने के लिए भी कोई है, मतलब भगवान जी हैं तो वो देखेंगे। ओ माय गॉड, आटा खत्म हो रहा है, याद रखना राजा, आटा खत्म हो रहा है, मेरा आटा खत्म हो गया। कैसे क्या खा लिया? गाइस जो आटा है वो बन गया, मैं एक बार हाथ वॉश कर, यही होता है मेरे साथ, बिना खाए ऐसा लगता है कितना कुछ खा के रखा है।
तो जो आटा है मैंने गूंद लिया है और मैं थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ ब्रेथ हूँ, ज्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैं पानी बहुत पी रही हूँ, मैं बीच बीच में हो जाती हूँ, बट मैं चीजें मेंटेन कर रही हूँ बहुत, तो फिलहाल अभी नहीं हूँ। तो ये हो गया है, मैं फटाफट जो पराठा है वो सेकने शुरू करती हूँ, सब्जी बनाती हूँ और जो खाना है वो लेके जाती हूँ ताकि डिनर जो हम लोग का तैयार हो जाए, मुझे बाहर से ना मंगाना पड़े। तो इसलिए आज आपसे मैं जो खाना है डिनर वगैरह वो थोड़ा जल्दी कर लिया करूंगी, जैसे शाम को बना लिया थोड़ा जल्दी बना के, ताकि क्या होता है रात तक मुझे लगता है कि, और वो जो दवाई अभी आई है उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि उसे काफी नींद आती है, तो दवाई खाने से पहले ही मुझे जो काम है वो करके रखना पड़ेगा। तो मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया है। तो मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि मुझसे पराठे बनाते नहीं आते, तो क्योंकि मेरे पराठे गोल नहीं थे और हमेशा मैं पराठे जो है वो ट्राइंगल में सेकती हूँ, कुछ लोग चौकोर बनाते हैं, कोई चौकोर पराठे बनाता था तो उसका कमेंट आया था कि आपको पराठा भी चौकोर करना नहीं आता है, आपको पराठा बनाना नहीं आता इन शॉर्ट। तो ये देखिए मैं ट्राइंगल ही बनाती हूँ, हम लोग का पराठों का शेप ही ट्राइंगल है ना, तो ये ट्राइंगल ही खाते हैं, इसलिए मैं गोल पराठे या चौकोर पराठे, मुझे पराठे बनाना नहीं आता, मतलब शेप नहीं करती, तो मैं रोटी गोल ही बनाती हूँ, आता मुझे सब है बट जरूरत जरूरत की बात है कि किसको क्या खाना है। तो इसमें क्या होता है, परतें निकल जाती हैं, अच्छी परतें आ जाती हैं। खाना हम कब खाएंगे? अभी खाएंगे, अभी बस ले जाके ही खा लेंगे, बन तो जाते हैं। नहीं जैसे बनते ही साफ। हाँ तो क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? स्मेल नहीं बता रही थी उसे। चढ़ रही है नाक पे? हाँ देख, आज है दूसरा दिन, कल जब मैं खाना बना रही थी लाइट नहीं है यहाँ पे। हाँ तो आज है दूसरा दिन, कल जब मैं खाना बना रही थी, एक सेकंड लाइट चला,
आप जल्दी आ, आप जल्दी ना। हाँ मेरी अकेली यहाँ पे यार, मैं बोलती हूँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है आने में। आज के आएंगे थोड़ी नाक खुली है, तो ये मुझसे कह रहे थे मेरे तबीयत के कारण जो है वो मुझे ऐसी स्मेल आ रही है, परिमान नहीं रहते। मैं इनसे कह रही थी नहीं यार मेरी नाक पे चढ़ती है। तो आज मैं जब हाउस हेल्पर से झाड़ू पोछा कराया था तो मैंने सफाई करी थी यहाँ की। ये जो बेड यहाँ पे ये राजा रख देते हैं इस साइड में, तो पूरा बेड बना के मैंने यहाँ पे रखा था। किसका बदन का? हाँ यार पूछो उसने क्या रूम में डाला, तो रूम में पता नहीं क्या डाला है। तो उसके बाद कल क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी और बैटरी चली गई, आई थिंक सब्जी बनाई थी। उसके बाद मैं सुबह उठी, मेरे पास आलू रखे थे और बन रखे हुए थे, तो आलू बॉयल्ड थे, तो मेरे को लगा यार कुछ अच्छा बनाया जाए, टेस्टी सा मन कर रहा था मेरा कुछ फ्राई सा खाने का। तो फिर मैंने बनाया आलू बोंडा, उसे आलू बंडा, आलू बंडा ये बोलती है, आलू बोंडा, आलू बोंडा, आलू बंडा, तो अच्छा सुनने में लगता है आलू बोंडा। हाँ तो वो बनाया और फिर जब हम लोगों ने देखा तो जो बन थे वो खराब हो गए थे। हाँ तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही खाया उसे, तो मतलब मेरा मन जो हुआ वो मैंने बना लिया। और मुझे अभी जैसे मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, मुझे कोई भी थकान नहीं है और जो खाना वाना है मैं बहुत आराम से बना लेती हूँ। फिलहाल तो ऐसा चल रहा है, बस एक ही दिन हुआ था मेरा जो सर भारी हो रहा था, और शायद वो बारिश होती है ना, मैं आपको बता रही हूँ जब बारिश होती है ना तो हम लोगों के सर में दर्द होता ही है, पता नहीं क्या। हाँ, मेरे भी होता है। जब जैसे मानसून शुरू होगा ना तो मुझे हर साल जब भी बरसात होती है तो शाम को सर दर्द शुरू हो जाता है। इनके भी अलग ही ना, अलग ही चोचले, अलग चोचले। एक्चुअली मैं ना ये मैं यहाँ पे रखी हूँ, यहीं पे रख देना। देखिए मुझे मुझे कितना काम करना पड़ता है, तो ये हमारे चोचले हैं वो। तो अभी रात का खाना डिसाइड नहीं हुआ है कि रात में क्या खाना है, हम लोगों ने वो बोंडा से पेट भर लिया था। बोंडा मेरा तो रात का है डिसाइड, मुर्ग मुसल्लम, ये मुर्गा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, ऐसा बोलता है तो गंदा मुर्गा खाएंगे। ये खाएंगे चिकन, और मैं ये है मेरी चिकन, और मैं खाऊंगी फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत बढ़िया, देख लो, सुन लीजिए अभी पहले फ्रूट्स बताता हूँ मैं बनाऊंगा आपके लिए कुछ। नहीं, सीरियसली मेरा मन नहीं कर रहा, पता मेरा आई थिंक मैं इसलिए सही हूँ क्योंकि मैं ना फ्रूट्स, और पता मैं एक काम और कर रही हूँ, मैं कभी भी फ्रूट्स के साथ दूध नहीं लेती। मैं जैसे एक अगर मैं केला खाती हूँ तो मैं सिर्फ एक केला खा रही हूँ, अगर मैं सेब खा रही हूँ तो मैं सेब खा रही हूँ, मैं दोनों एक साथ नहीं खाती। मुझे लगता है कि कोई चीज़ किसी से रिएक्ट ना हो जाए, तो मैं आधे घंटे पहले मैंने सेब खाया तो आधे घंटे बाद मैं दूध पीऊंगी, फिर उसके आधे घंटे बाद मैंने एक केला लिया। तो इस ढंग से जो चीज़ है वो कर रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ डबल वो नहीं कर रही हूँ। और रही बात चाय की, तो चाय फिलहाल नहीं पी मैंने, चाय का क्या होगा, मैंने चाय नहीं पीना, चाय का ऐसे मना नहीं किया उन्होंने, पर मैं जिंजर वाली चाय पीती हूँ तो जिंजर मैंने अवॉइड करी, तो मैंने चाय अवॉइड करके रखी और मन भी नहीं हो रहा फिलहाल मेरा, क्योंकि गर्मी हो रही है, शायद ठंड जैसे जैसे हम आगे बढ़े और ठंड आएगी तब 95 वो बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी क्या, मैच देख लेते हैं हम लोग। तो अभी ये जा रहे हैं गूगल को नहलाने, तो शायद आपको आज गूगल स्लो डाउन। तो ये जा रहे हैं गूगल को नहलाने, नहाएगा तो आप लोगों को दिख जाएगा, तो क्या रेट में नहला देता हूँ। और अभी पानी जो है वो सही भी हो गया, शायद हो गया होगा। क्या कर रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, और राजा आज थोड़े कम फ्रस्ट्रेटेड है, सही है, बिल्कुल भी नहीं फ्रस्ट्रेटेड आज, नहीं आग जल रही है ना, पर आग जल रही है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आते ही मुझे लगता है कुछ लगा सर पे, पर ये वाला रूम है ना फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा खुला है, बोजो से भी थोड़ा सा मेरे को स्मेल आती है, बोजो से यहाँ पे आके भी स्मेल आती है, पर वो वाली स्मेल से मुझे वॉमिटिंग आती है, इस वाली स्मेल से मेरी जो नाक है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है, बट फिर भी ये बेटर है, मतलब मेरे घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्मेल आ रही है। तो मैं रसोई में आ गई हूँ, राजा जो है वो गूगल को नहलाने लेके जा रहे हैं अभी, क्योंकि उसे नहलाना जरूरी था। मेरी रसोई है ना वो बहुत मैसी हो रही है, ये देखिए सब ऐसे ही मैंने बनाया, और मैं खाने चली गई, उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया, तो मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा सा रसोई जो है से क्लीन कर दूँ, ताकि अगर हमें कुछ खाना बनाना हो मुझे अपने लिए। राजा तो कह रहे हैं कि वो चिकन खाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए सूप बना लूँ टमाटो। तो जो सूप मैं बनाती हूँ अपने लिए वो एकदम पतला रहता है, मैं स्टार्च वगैरह डालती हूँ, पीने वाला सूप रहता है,
हम लोग की ना कैंटीन में मिलता था, थोड़ी सी लाइक दो लहसुन डालूंगी मैं उसमें और क्या डालूंगी, देखिए चाय गिर गई यहाँ पे, दो लहसुन काली मिर्ची थोड़ी सी और नमक, तो सब कुछ बहुत कम मतलब जितना भी है ना थोड़ा सा रिड्यूस करके डालूंगी, एक साथ बहुत सारा नहीं क्योंकि लहसुन थोड़ी सी गर्म रहती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोग भी हैं और कोई गाइड करने वाला नहीं है तो थोड़ी सी चीजें सर्च कर करके खाइए, सर्च कर करके खाइए। तो नहा रहा है, चलिए देख के आते हैं। गूगल बहुत लोग गूगल को देखना चाह रहे थे। ये रहा गूगल। हाय। सो गाइस हमने इसे कहीं दिया नहीं है, क्यों देंगे किसी? हम क्यों देंगे इसे किसी को, बस कुछ कारण था। अभी ये नहा रहा है, राजा बांध के नहला रहे हैं क्योंकि राजा पहली बार नहला रहे हैं। कैसा लग रहा है गूगू? काट रहे। ये रहे आज बोझो को नहलाने, गूगल को नहलाने वाले इंसान। तो वहाँ पे स्मेल आने लगी जैसे राजा ने पानी डाला उस पर। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है तीसरा दिन, तो ये ब्लॉग चल रहा है 3 दिन से और क्या हो रहा है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो क्या हुआ कल, जब मैंने आपको गूगल को दिखाया राजा नहला रहे थे उसे, और फिर मैंने सेब काटा, मैंने वाली दवाई ली, वो दवाई ली जो मैंने आपको दिखाई थी येलो कलर की, डॉक्सा नाम नहीं याद है मुझे, वो दो लेनी है डेली रात को। तो परसों मैं दवाई लाई थी, परसों मैंने खाई नहीं, वो मेरे को लगा कि कल से शुरू करूँगी क्योंकि परसों थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरे को लगा कि एक फिक्स टाइम बांध लूँगी मैं कल से, तो उस फिक्स टाइम पे मैं जो दवाई है वो लेना शुरू करूँगी। तो उसी हिसाब से मैंने कल अपनी फर्स्ट डोज ली, मैंने एप्पल काटा है और मेरे को लगा चलो कुछ खाने का प्लान नहीं था मेरा रात का, तो राजा ने अपने लिए ऑर्डर कर लिया था, उन्होंने चिकन खाना था। तो जैसे मैंने दवाई खाई मैं थोड़ी देर सही रही, राजा खाना खा रहे थे मेरे सामने बैठ के, मैं देख रही थी चलो खाना खा रहे हैं। करीबन 9:30 बजे के आसपास मुझे नींद आई, और नींद नहीं थी वो, पता नहीं क्या था, मेरे को तो लगा पता नहीं मैंने क्या खाया, मैंने नशा किया है या क्या किया है, वो नींद जैसी नींद थी, मेरे को एकदम से लगा कि बस सोई मैं, तो मैं सो गई। तो मैं यहाँ सो गई थी, ये बोझो का साइड है, तो मैं यहाँ पर टीवी देखती हूँ, और मैं टीवी राया चला के रखा हुआ था और मैं टीवी देखते देखते सो गई। उसके बाद करीबन 3:30 बजे राजा पता नहीं बोझो को खाना खिलाया, राजा ने बॉटल भरी, गूगल को खाना खिलाया, गूगल को पूरी ग्रूमिंग कर रहे थे वो, तो उसे पाउडर परफ्यूम वगैरह डाला, फिर गूगल को उसके रूम में उन्होंने सेटल किया है, और फिर जितना भी काम था उन्होंने निपटाया है, और जो पूरे बर्तन वगैरह थे वो धुलने वाले एरिया में, रूम का जो फैलापन था वो उन्होंने क्लीन किया। 2:30 बजे उन्होंने मुझे बोला कि श्वान देखो यार अपने साइड पे आके सो जाओ, तो उन्होंने मुझे धीरे से वो करा और उन्होंने मुझे बोला कि दूध पी लो एक गिलास, कुछ खा लो क्योंकि कुछ खाया नहीं। मैं इतनी नशे में थी कि मुझे नहीं समझ में आया, मेरे को लगा, मैंने उनसे बोला कि यार प्लीज़ ज़रा सोने दो, मैं आई हूँ, उनने यहाँ से बिस्तर मेरा लगाया, तकिया वकिया लगाया है, मैं आके लेटी हूँ, और फिर मुझे कुछ भी नहीं पता वो दवाई के बाद। फिर मेरी हाउस हेल्पर आई है 12:30 बजे, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, 9:30 बजे से लेट सो गई थी मैं, और उसके बाद क्या हुआ मेरी हाउस हेल्पर आई है, मैंने जाके दरवाज़ा खोला है राजा चले गए थे, मैंने जाके दरवाज़ा खोला राजा चले गए थे, और फिर मैं गई, मैंने दरवाज़ा खोल के वो आई है अंदर, मैं आके फिर सो गई और वो काम करती रही, वो जो बेडरूम में भी आई है, तो मैं थोड़ा सा प्रटेंड कर रही थी कि मैं जगी हुई हूँ, लाइक थोड़ा मोबाइल की तरफ देख रही थी जाग के कि चलो यार ऐसी लगे कि मैं सो रही हूँ ना तो जग रही हूँ, ताकि कुछ आराम से काम करे और सफाई से काम करे। तो उसने काम वाम किया है, फिर जब वो गई है और मैंने जो घर है वो लॉक किया, फिर घर लॉक करके मैं दोबारा आई, राजा का कॉल आया कि उठ जाओ कुछ खा लो ये कर लो, मैं तब बोला ठीक है मैं उठती हूँ, और ऐसे करते करते 2:30 बज गए और मैं अब 2:30 बजे उठी हूँ, और मैंने सोचा है कि मेरे को इतनी थकान नहीं थी, वो दवाई खाते ही होगी, और मेरे को यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा है ना आप लोगों ने देखा कि कोई है नहीं जो मैं उसे आ रहा, जो लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर ही मान लीजिए शायद मैं जगी होती तो मैं शायद कुछ खा लेती, तो 3 मील मेरी स्किप हो गई, जो लंच है वो नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका है ऐसे 2:30 बज गए, बट मैं दाल और चावल चढ़ा दिए अभी जाके, मैं उठते साथ ही खाना चढ़ाया, एक एप्पल काट के खाया, और मेरे को बहुत सिर मेरा भारी हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है, और चाय जो है वो दूध की चाय है जिसमें पत्ती है और चीनी है, अदरक नहीं डाली है मैंने,
तो फुल दूध की जो चाय है वो रखी हुई है मैंने, क्योंकि मुझे उठना ज़रूरी है। तो आज से मैंने सोचा कि वो दवाई नहीं लूँगी। अब मैं जिन डॉक्टर के पास गई थी वो मेरी फर्स्ट डॉक्टर है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसी डॉक्टर के पास, मतलब मेरे को लगा कि पास में है तो हम लोग थोड़ा कन्वीनियंट ये देख रहे थे कि हमें थोड़ा सा अच्छा सब होगा। अब मेरे को उतना डाउट है, 2017 में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यहाँ पे चित्रा जैन है वहाँ पे पता है पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है उनके यहाँ गई थी, तो उनने मुझसे जब मैं गई तो उनने मुझसे टेस्ट करवाया था एक बार, होम प्रेगनेंसी टेस्ट उन्होंने लिया था खुद से भी, तो मैंने वहाँ पे टेस्ट किया, फिर उन्हें किट दिखाई थी और अपनी भी लेके गई थी, बट उनने बोला था कि ये रहने दो आप इस पर एक बार करके आओ, तो वो वाला जो किट थी वो दिखाई मैंने। उसके बाद उन्हें जो दवाइयाँ थी उनमें वो याद, उन्होंने मुझे इतनी दवाइयाँ दी थी जिसमें फॉलिक एसिड वगैरह सब कुछ थी, वॉमिटिंग के लिए थी, बहुत सारी दवाइयाँ दी थी उन्होंने, इतनी सारी दवाई दी थी। ये मैं अपना बता रही हूँ फर्स्ट टाइम का। अब की बार जब मैं गई हूँ तो मैंने उन्हें सिर्फ अपनी किट दिखाई और वो यकीन कर गई, उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया मेरा अलग से, और फिर उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट वगैरह अगर आपको करना है तो आप बता दीजिए वरना आपका ये तो है ही पॉजिटिव। तो फिर मैंने बोला कि वो सब तो ठीक है, पर फिर उन्होंने डायरेक्ट HCG का जो इंजेक्शन लगवाया है वो और जो दवाइयाँ मैंने आपको दिखाई थी येलो वाली वो दी है, उन्होंने मुझे कोई फॉलिक एसिड की दवाई नहीं दी। अब वो बोल रही थी कि उसी में सब कुछ है, पता नहीं उसे फॉलिक एसिड है या नहीं, पर फॉलिक एसिड मेरे पास अलग से भी रखा है तो मैं उसे ले रही हूँ, फॉलिक एसिड मैं ले रही हूँ अपने आप से, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दी फॉलिक एसिड की दवाई। और जब मैंने उनसे बोला कि मैम आयरन वगैरह भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं आयरन तो देते ही नहीं, अभी स्टार्टिंग में आयरन नहीं देते, तो वो हो सकता है ना देते हैं मुझे नहीं मालूम है, तो उन्होंने मुझसे आयरन तो साफ नहीं नहीं कहते कि नहीं आयरन नहीं देते स्टार्टिंग में, लेना भी नहीं खुद से। और वो तो ये है, मैं वो चाय लेके आती थी इसे, सो ये लेके आई मैं चाय, और ये जो है इसमें पानी नहीं है, इसमें दूध और चाय पत्ती है, अदरक भी नहीं है, और मैं चाय आज 2-3 दिन बाद पी रही हूँ, मैंने 2-3 दिन से चाय नहीं पी थी, मैं आज भी चाय नहीं पी थी, बट मेरा सर उस दवाई के कारण सीरियसली। सो गाइस अब मैं ना बहुत जल्दी वो सिम्टम्स वगैरह आप लोग कह रहे थे वो जो वीडियो है वो बनाऊँगी, बट उसमें सब कुछ बताऊँगी। और हाँ हाँ हाँ, इस दवाई खाने के बाद एक और चीज़ हुई थी, इस दवाई खाने के बाद मुझे डायरिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम है दवाई का साइड इफेक्ट है या नहीं है, मुझे डायरिया हुआ है और मेरा जो मुंह है ना वो बहुत सूख रहा था रात भर से, मैं इतनी बेहोशी में थी, मैंने पानी पिया है बहुत दवाई खाने के बाद, मेरा पूरा मुंह सूख रहा था। किसी ने वो दवाई खाई है जो मैंने आपको दिखाई थी, आपको आई थिंक प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वीडियो में दिख जाएगी तो बताएगा, शायद मेरा पता नहीं उस दवाई के कारण ही सूख रहा था, शायद मैं तो वो जो दवाई है वो छोड़ दूँगी क्योंकि इस तरह से कैसे हो पाएगा। तो अब मैं ये पीती हूँ, और बाकी चीज़ आपको बताती हूँ, और बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे हल्की हल्की क्रैम्पिंग होती है कभी कभी जो कि बहुत नॉर्मल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत नॉर्मल है हल्की क्रैम्पिंग होना, वो होती है। और मुझे कोई भी मतलब इतना सीवियर, मुझे अभी मॉर्निंग सिकनेस जो है ना वो सिम्टम जो है वो नहीं है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस के लिए ही वो दवाई है, वो जो सिकनेस जो मॉर्निंग सिकनेस का है ना वो सिर्फ मुझे तब होती है जब मैं बहुत ज़्यादा स्मेली एरिया या नहीं खाना खाऊँ ना, या मुझे भूख जैसे मैंने खाना नहीं खाया है बहुत टाइम तक, तब मुझे वो वाली प्रॉब्लम होती है नौजिया वगैरह की, वैसे मुझे बहुत रेयर ऐसी नहीं होती कि मेरे को खुद से हो रही है, मैं सुबह एकदम आराम से उठती हूँ बस वो दवाई खाने के बाद, आज मेरे साथ ये हुआ। सो गाइस ये था एक छोटा सा ब्लॉग, लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट आएगा, मैंने एडिट नहीं किया है वो जल्दी आएगा, और सिम्टम्स की वीडियोस भी आएगी, और थोड़ा जो भी है वो मैं शूट करते जाऊँगी हम। और हाँ एक और चीज़ बता रही थी, देखिए कितनी सारी चीज़ बता रही, मुझे ना ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ढेरों पिंपल हो गए हैं, और यहाँ मेरी लाइफ का सबसे वाहियात पिंपल है मुझे यहाँ पे जो हो रहा है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेरा पूरा यहाँ पे ना स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, बस ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो गाइस चलिए मैं जाती हूँ खाना वाना खाती हूँ और रेस्ट ही कर रही हूँ मैं, पता है आप लोग पता मैं कल से ऐसा हो गया कि पता नहीं मैं सो ही सो रही हूँ, मैं खाना खा के फिर से सो जाऊँगी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेज़ दी, सारे कमेंट्स की, थैंक यू सो मच, और अपना प्यार देने के लिए अपनी दुआएं देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं जा रही हूँ खाना खाने और उसके बाद मैं जा रही हूँ फिर से सोने, मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।